देखिए, एक तो बात यह है कि ये जो एमकेएम के इत्तेहाद की बात हो रही है, सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कि जब वो डिफरेंट फैक्शंस बन जाते हैं और फिर कहीं इकट्ठे करने की या इकट्ठे होने की बात होती है तो फिर चौधराहट का मसला बनता है। जाहिर है हर सेक्शन का एक अपना अपना चौधरी है, वो क्यों दूसरे में जाके किसी के नीचे लग जाएगा कि अच्छा जी आप लीड कर लें मैं उसके बाद। ये सबसे बड़ा मसला होता है। वो जो आप फैसल बार बार वो जो बात कर रहे थे ना कि अनाओं की कुर्बानी देना पड़ेगी, वो बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। बाकी वो पीटीआई कहती रहे उनको इत्तेहाद में वापस आने की, वो कोई फायदा नहीं होना क्योंकि वो अपनी खुशी से गए थे ना अपनी खुशी आएंगे। वो तो जाहिर है इस मुल्क में मामला ही डिफरेंट होते हैं। जरदारी साहब के हवाले से, ये वही जरदारी साहब है जिन्होंने कहा था कि वादे कुरान और हदीस तो नहीं हुआ करते ना, तो ये भी इनको पता था। फैसल इनको बार बार याद भी दिलाते रहे, यहाँ बैठ के भी दिलाते रहे, सोशल मीडिया पे भी याद दिलाते रहे, लेकिन जाहिर है उन्होंने जाना था, उस वक्त जरूरी था उनका जाना, इसलिए वो चले गए। देखिए इलेक्शन फेयर कहाँ होते हैं, आपके साथ इंडिया है ना, वहां से फ्रॉम नोवेयर आम आदमी पार्टी आ जाती है, वो दिल्ली पे रूल करती है, उसके बाद पंजाब में भी इलेक्शन जीत जाती है क्योंकि फेयर इलेक्शंस हैं। वहां जिसको वोट डलता है उसी को निकलता है और फिर इस तरह से वो जो हम विजुअल देख रहे होते हैं, आप पता नहीं वो नए होते हैं पुराने होते हैं, वो चल रहे होते हैं चूंकि के ठप्पे लग रहे हैं, वो बंदे बैठ के ठप्पे लगा रहे हैं जी, बट ठीक है जब तय कर लिया कि इलेक्शन हमने जीतना है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आज से ही इनको तकरीर अपनी एहतजाज की रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए एमकेएम के लीडर्स को, इनके तमाम फैक्शंस को, कि जब ये हैदराबाद और कराची में भी हार रहे होंगे और मेयर का इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत रही होगी, तो जाहिर है ये तो इलेक्शन है, यही तो फ्री एंड फेयर, और कौन से इलेक्शन, ये वसीम अख्तर साहब बादशाह बंदे हैं, यही फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए थे इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो उनको मिल गए हैं। जब तक ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे कारकर्दगी से फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप जितनी मर्जी आप कहते रहे यहाँ बैठ के, उनकी कारकर्दगी से बेहतर कारकर्दगी है ही किसी की नहीं पीपल्स पार्टी की।